डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरे सभी चिल्ड्रन बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के मज़े ले रहे होंगे। और मेरे बच्चे तो इतने टैलेंटेड हैं कि हर टाइम को वो अडेप्ट करना जानते हैं और कैसे समय का सदुपयोग करना है वो भी जानते हैं, क्योंकि हर चीज़ को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरह क्यों ना देखा जाए। जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए आप कोई अपना बहुत ही पसंदीदा सीरियल देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं या कोई भी सीरियल देख रहे हैं, तो बीच में आ जाता है ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक। अब देखिए, इसको आदमी दो तरह से लेता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव इसलिए लेता है कि ओ कुछ अगर कोई अर्जेंट वर्क है 2 मिनट का या कुछ और करना है तो कर लिए, चलो अच्छा हुआ कम से कम ब्रेक आ गया कि वर्क कर लेंगे। और नेगेटिव इस मायने में लेता है कि उसमें वो डूब जाते हैं और वो कोई उसमें इंटरप्शन नहीं चाहते हैं, तो उसको जो है खरी खोटी सुना जाते हैं चैनल वालों को। तो आई होप कि मेरे सभी बच्चे जितने भी हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे हमारे, इसको पॉजिटिव वे में लेंगे। अच्छा, कल से मैं हिंदी मीडियम बैच के लिए भी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे मेरे अप टू डेट रहें। और हिंदी मीडियम में मैं कल से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा चुके थे और फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी है, परिचय मात्र है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सेकंड चैप्टर से कल से हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम वाले के लिए। ओके, तो चलिए, कल हमने कहाँ तक देखा था बेटे? कल हमने बना लिया था पॉलन ग्रेन। एक बच्चे का डाउट है कि सर, ये पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए, पॉलन बैंक बनाने के लिए इतने लो टेम्परेचर की दरकार क्यों होती है? तो देखिए बेटे, जब हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं तो उसको -196 डिग्री सी पे करते हैं। और इतने लो टेम्परेचर पे स्टोर करने की क्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, है ना। प्रिजर्व मतलब स्टोर करना, और क्रायो मतलब होता है लोवेस्ट टेम्परेचर, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। बच्चे का डाउट था कि सर, अगर इसमें स्पोरोपोलिनिन है तो इसको तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, नहीं पड़ेगा, ये भी तय बात है, लेकिन क्या पता उसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, और उस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं और उस क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है, उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, है ना, उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, तो इसको रोकने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि वह ताज़ा रहेगा, इसीलिए इसको क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, है ना, ताकि उनका जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ डीएनए, वो उसी तरह का बना रहे। अच्छा, दूसरी बात कि जो पॉलन ग्रेन है उसको सिर्फ पॉलन ग्रेन नहीं बेटे, चाहे तो स्पर्म को स्टोर किया जा सकता है इस विधि द्वारा, और इतने ही डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। आप जो है किसी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कर सकते हो, है ना, मेरिस्टेम को कर सकते हो, सीड को कर सकते हो, वैसे मेरिस्टेम बहुत कम किया जाता है, सीड को कर सकते हो, है ना। तो इसको भी इतने ही डिग्री, 196 डिग्री सी पे ही प्रिजर्व किया जाता है, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। अच्छा, और जहाँ तक बात रही बेटे की वीडियो में लाइट थोड़ी कम होती है, आप मानेंगे तो हम यहाँ पे ढेर सारा लाइट्स का व्यवस्था किए हैं, बट फिर भी चूँकि हम अपने सेल से रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ। हाँ, ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि उसके लिए हमने माइक्रोफोन मंगवा लिया था।
बट हमें ये आई वॉज नॉट अवेयर दैट वी आर गोइंग टू फेस दिस लॉन्ग ड्यूरेशन लॉकडाउन पीरियड, नहीं तो हमने सब कुछ कर लिया होता. ओके और जब भी आपको वीडियो में लाइट थोड़ा कम करने लगे तो आप अपने सेल का जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज कर लीजिए, वीडियो में लाइट खुद ब खुद आ जाएगा. ओके तो चलिए, तो आपने क्या किया था बेटा, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं एक बार, जल्दी से एक मिनट में फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग. आपने कहा था कि माइक्रोस्पोर बनाया आपने. आपने क्या बनाया? माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर आपने कहाँ से बनाया था? पॉलन मदर सेल से बनाया था, और या माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनाया था, इससे टेट्राड बन गए माइक्रोस्पोर के, और माइक्रोस्पोर से फिर क्या बन गया? पॉलन ग्रेन, है ना. माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को आपने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जबकि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने की क्रिया को आपने क्या बोला था? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस. क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, है ना, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. मैं आप लोगों को कल भी समझाया था कि गैमेटोफाइट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट सेल इसलिए बोला गया क्योंकि इस पॉलन ग्रेन में अभी तक हमने ये नहीं दिखाया है कि दो मेल गैमेट अंदर में बन चुके हैं और पॉलन ट्यूब इमर्ज हो चुका है, है ना. ये दोनों प्रोसेस जब हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में, तब वो प्योर मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा, है ना. इसीलिए आपको इसको याद रखना है. तो मेल पार्ट हमारा खत्म हो गया था, अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट जो है उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग बातें करेंगे कार्पेल की, पिस्टल की बात करेंगे, और इसमें जो सबसे मेन चर्चा करना है, जैसे आपने उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था, डब्बा जो आपका बना था चार, तो इसमें जो डब्बा होगा वो कौन होगा? मेगा स्पोरेंजियम. तो मेगा स्पोरेंजियम को यहाँ पे ओव्यूल कहते हैं, है ना. ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, वो कौन होता है? पिस्टिल या कार्पेल. ओके सो लेट्स बिगिन विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्ट्रक्चर. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गेन, है ना. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बाबू, वो कौन है? गायनोशियम. गायनोशियम. गायनोशियम का जो यूनिट होता है वो कौन है? पिस्टिल या कार्पेल, है ना. पिस्टिल या कार्पेल. और अगर आप स्ट्रक्चर, अच्छा, और आपने क्या बोला था कि जो पिस्टिल और कार्पेल है, आप मॉर्फोलॉजी को याद करें थोड़ा, क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी पार्ट को. आपने बोला था कि एक फ्लावर में एक पिस्टिल भी हो सकता है, कई पिस्टल्स भी हो सकता है, है ना. तो अगर तो एक पिस्टिल रहा तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, और अगर कई पिस्टल्स हुए या कई कार्पेल्स हुए तो उसको हम लोग मल्टी या पॉलीकार्पेलरी बोलेंगे, है ना. इसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं मटर का एग्जाम्पल. इसमें क्या होता है? पी में एक ही कार्पेल होते हैं. अब मल्टी कार्पेलरी की बात करते हैं, तो अब अच्छा, इसको टर्म देंगे हम क्या? मल्टी कार्पेलरी. अच्छा, अब मल्टी कार्पेलरी है बेटे, तो ये दो रूप में रह सकते हैं, कई है ना, तो
तो कई हैं, तो देखिए ना, अगर कई कार्पेल हैं मान लीजिए, तो ये दो रूप में रह सकते हैं, या तो सबके सब फ्री रह सकते हैं, या तो सबके सब फ्यूज रह सकते हैं। तो अगर तो फ्री हुआ या अगर तो ये फ्यूज्ड हुआ, अगर ये फ्री हुआ तो इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस, और अगर ये फ्यूज्ड हुआ तो फ्यूज का वर्ड हम क्या यूज करते हैं, क्या? सिमकार्पस। मॉर्फोलॉजी में आपने एपो की जगह क्या यूज़ किया था, याद है आपको? गेमो और पॉली, है ना? गेमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस, यहाँ उसके जगह एपो। एपो मतलब होता है फ्री, है ना? तो और इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें कि जो मेनीपिस्टल्स होते हैं और फ्री होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रेनेनकुलस का। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रेनन कुलस का, और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पेटूनिया का, पेटूनिया का। ओके, तो ये दो सिचुएशन हो गए। अब हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं पिस्टल का। तो अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएं पिस्टल का, जो कि हम पहले भी कई बार बना चुके हैं, तो मेरे बच्चों को अच्छे से समझने में आएगा। ओके, यहाँ थैलेमस है, तो इसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं, थैलेमस की चर्चा हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं बाबू? इसके अंदर होते हैं, यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटेशन भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे इनके, यहाँ पे कौन होते हैं? अव्यूल होते हैं। कौन होते हैं? अव्यूल होते हैं, है ना? हम अव्यूल का स्ट्रक्चर एक बार और बनाएंगे बड़ा करके। और इसको आपने क्या बोला था? स्टिग्मा, है ना? स्टिग्मा बोला था। बीच का जो लंबा पार्ट था उसको आपने क्या बोला था? स्टाइल। ये पार्ट कौन सा था? ओवरी। और ये पार्ट कौन हो गया आपका? ओव्यूल। ओव्यूल, इस ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है। इस ओव्यूल को क्या बोला जाता है? मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है। जैसे कि आप एंथर का डायसेक्शन किए थे, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन किए थे, तो उसमें आप माइक्रो स्पोरेंजियम बोले थे, जिसके अंदर की माइक्रोस्पोर बना था। और यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम किसको बोलेंगे? ओव्यूल। इसका मतलब कि इसके अंदर मेगा स्पोर बनेगा, ऑफ कोर्स इसी के अंदर बनेगा, है ना? तो अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को अच्छे से बना के देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो कार्पेल है, यह एक मॉडिफाइड लीफ है, यह एक मॉडिफाइड लीफ है जिसके पास ओव्यूल होता है, इसीलिए इसको मेगा स्पोरोफिल, PHYLL, फिल मतलब पत्ती, मेगा स्पोरोफिल भी बोला जाता है ना? और उधर आप स्टेमेन को क्या बोले थे? माइक्रो स्पोरोफिल, है ना? इसको मेगा स्पोरोफिल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बोलिए? क्योंकि जो कार्पेल बन है वो एक रूपांतरित पत्ती है, यानी मॉडिफाइड लीफ है, इसीलिए मेगा स्पोरोफिल भी इसको बोला जाता है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑव्यूल। वैसे तो ऑव्यूल हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन पहले हम लोग मेगा स्पोर बना लेंगे, तब हम टाइप्स ऑफ ऑव्यूल देखेंगे 6 प्रकार का। हम जिस ऑव्यूल की यहाँ बात करेंगे बेटे, वो एंजियोस्पर्मिक ऑव्यूल की बात करेंगे, और एंजियोस्पर्म में जो ऑव्यूल होता है वो एनाट्रोपस ऑव्यूल होता है। आइए देखते हैं हम लोग ऑव्यूल का स्ट्रक्चर। सो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ
या तो मेगास्पोरिंजियम कह लीजिए आप, या तो ओव्यूल कह लीजिए आप। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम, है ना। ओवरी के अंदर क्या है आपका? ओव्यूल है। फिर मैं कह रहा हूं आपको कि हम जो देखेंगे जिस ओव्यूल, जो ओव्यूल होते हैं, ये हम आगे चल के 6 टाइप्स देखेंगे। लेकिन चूंकि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म्स में एना मतलब होता है नीचे की ओर, है ना, अपसाइड डाउन। एना ट्रॉपस ओव्यूल होता है ना। एना मतलब होता है क्या? नीचे की ओर, डाउन। और ट्रॉप मतलब होता है क्या? टर्न। यानी ऐसा ओव्यूल जो नीचे की ओर टर्न किया हुआ हो, नीचे की ओर झुका हुआ हो, उस ओव्यूल को क्या बोलते हैं? एना ट्रॉपस ओव्यूल। तो एंजियोस्पर्म में कैसा ओव्यूल पाया जाता है बच्चों? एना ट्रॉपस ओव्यूल। बाकी और 5 ओव्यूल हम इसके बाद देखेंगे जब हम लोग मेगा स्पोर बना लेंगे, जब हम लोग एम्ब्रायोसाइट बना लेंगे। ओके, चले। तो अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बेटे, स्ट्रक्चर पे खूब ध्यान देना है आपको, क्योंकि नोट्स में तो डिटेल्स लिखे हुए रहेंगे, समझना आपको डायग्राम पे ही फोकस करना है। यानी अब वो चैप्टर से स्टार्ट हो चुके हैं जहाँ पे, यानी रिप्रोडक्शन में अब जो 2 चैप्टर होंगे एकदम बैक टू बैक, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही चैप्टर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, है ना। फिर तो जेनेटिक्स में कोई डायग्राम नहीं है, हाँ फिर हम लोग डीएनए आरएनए देखेंगे तो वो कोई खास डायग्राम नहीं होगा। तो डायग्राम मेनली हमको यहीं पे देखना है। तो चले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका? ओव्यूल का। बोलो जल्दी, ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? छत पे? अरे नहीं, ओवरी में पाया जाता है। और एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कैसा ओव्यूल पाया जाता है? एनाट्रोपस ओव्यूल। क्यों एनाट्रोपस ओव्यूल? क्योंकि ये नीचे की ओर झुका हुआ रहता है ना। चले सो नाउ अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ये ओवरी है, ओवरी का पार्ट हम इतना ही ले रहे हैं। ओके, ये ओवरी वॉल है जिसको आपने मॉर्फोलॉजी में क्या बोला था? पेरिकार्प, है ना। और मैं बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियरली दिख सके। और यहाँ पे लगे होते हैं ओव्यूल, तो यहाँ पे ओव्यूल लगे होंगे, तो यहाँ पे कौन होगा? जहाँ, जिस जगह से ओव्यूल लगा होता है, अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा से निकलेगा, इसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल। और तब ये नीचे की ओर देखो झुक रहा है, और ये यूं, और ये यूं। अच्छा, यूं। और इसमें जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो 2 होते हैं। इसमें कितने इंटेग्यूमेंट होते हैं? 2 होते हैं, है ना। और यहीं पे होता है एम्ब्रायो सैक। अभी सब कुछ देखेंगे एक एक करके हम लोग। और इसके अंदर जो होता है बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। इसके अंदर न्यूसेलस भरा हुआ होता है। न्यूसेलस क्या होता है? पेरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है। और ये न्यूसेलस में न्यूट्रिशन स्टोर्ड होता है, फूड स्टोर करता है, ये न्यूट्रिटिव होता है ये न्यूसेलस। और
ये न्यूसेलस है। ओके नाउ अब देखो ये न्यूसेलस जो है ये डिप्लॉयड होता है, इनका प्लॉयडी है ना। और अब हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं, कर लें। चल इसको बोला हमने क्या प्लेसेंटा, क्या बोला प्लेसेंटा, इसको हमने बोला फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। अच्छा और ये जो आप डंठल देख रहे हैं जिसको आपने फ्यूनिकुलस बोला, जब इस डंठल में ये पार्ट देख रहे हो नीचे झुका हुआ है, देख रहे हो ना ऐसे आया नीचे झुक गया, तो नीचे झुकने को एना बोले और टर्न करने को, जो चूंकि टर्न कर गया उसको ट्रॉप यानी ट्रॉपस बोल दिए, इसीलिए इस ओव्यूल को हम एना ट्रॉपस ओव्यूल बोलते हैं। ओके हाँ तो मैं कह रहा था इस डंठल को जो है इसको आपने क्या बोला फ्यूनिकुलस, मैं थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूं प्लेसेंटा को। ओके अच्छा और जब इस डंठल में ये पार्ट जुड़ गया तब अब इस पार्ट को हम बोलेंगे रैफे, क्या बोलेंगे रैफे, आर ए पी एच ई रैफे। अच्छा जो ये हेड पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या चला जा, आपको नहीं जाना है, ये नाम ही है क्या चला जा। और यहां जो आप होल देख रहे हैं इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल का स्ट्रक्चर तब बन जाता है जब ये इंटेग्यूमेंट, एक इंटेग्यूमेंट दो इंटेग्यूमेंट, एक दो है ना, तो कितने इंटेग्यूमेंट है इसमें, इंटेग्यूमेंट मतलब स्किन डर्म, डर्मिस त्वचा लेयर और क्या, कितने हैं दो। और इसीलिए इसीलिए जो एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसके पास कितने इंटेग्यूमेंट होते हैं, दो इंटेग्यूमेंट होते हैं। और यही रीजन है कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो बाइटेगमिक होता है, बाई मतलब दो और टेगमा, टेगमा मत से क्या हो गया इंटेग्यूमेंट। तो जो आपका ये वाला कौन सा हो गया, ये आपका आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, और ये आपका इनर इंटेग्यूमेंट हो गया है ना। और इस दोनों को मिला करके आप क्या बोल दिए बाय टेगमिक। ये केवल किस में होता है, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में होता है यानी एना ट्रॉपस ओव्यूल में होता है। चले अब जहां से ये इस डंठल से जिस जगह पे ये पार्ट अटैच हुआ है इस पार्ट को बोलते हैं हाइलम, क्या बोलते हैं हाइलम। ओके अब इसमें जो सबसे मेन पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं बाबू, न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं बोलना है, क्या होते हैं न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस किस सेल के बने होते हैं, पेरेन काइमेटस सेल के बने होते हैं है ना, पेरेन काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। और इनका प्लॉयडी क्या होता है 2n होता है, क्या होता है 2n होता है ना। अच्छा अब एक बार फिर से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कैसा ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, जहाँ से ये ओव्यूल जुड़ा है डंठल उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जो डंठल है उसको फ्यूनिकुलस बोलते हैं, जब इस फ्यूनिकुलस में ये पार्ट जुड़ गया तब इस पार्ट को रैफे बोलते हैं, और जहाँ से ये पार्ट जुड़ा है उसको हाइलम बोलते हैं, हेड पार्ट को चलाजा बोलते हैं, यहाँ जो होल दिख रहा है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, कितने इंटेग्यूमेंट हैं दो हैं आउटर और इनर, इसीलिए इसको बाय टेगमिक बोलते हैं। और जब ये ओव्यूल है ना ये, तो ये जब फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो क्या बन जाएगा सीड बनेगा, और सीड में दो लेयर इसमें है सीड कोट में, ऊपर वाला टेस्टा और उसके नीचे वाला टेगमेंट, तो टेस्टा आउटर बना लेगा, आउटर इंटेगमेंट इंटेगमेंट क्या बन जाएगा सीड में टेस्टा, और इनर क्या बन, इनर इंटेगमेंट क्या बन जाएगा टेगमेंट, टेस्टा और टेगमेंट दोनों मिलकर क्या बना लेगा सीड कोट बना लेगा है ना, ये बात है।
अब देखें इस न्यूसेलस की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, ये जो न्यूसेलस होता है ये पेरेन्काइमेटा सेल्स का बना होता है ना, किसका बना होता है, पेरेन्काइमेटा सेल्स का बना होता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा। क्यों एडिटिंग करूँगा बेटे, क्योंकि अब मैं दिखाऊँगा आपको कि आखिर इस सेल से, वहाँ आपने क्या बनाया था एंथर में, आर्किस्पोरियल सेल था, यहाँ भी होगा। वहाँ आपने क्या बनाया था, स्पोरोजिनस सेल, यहाँ भी होगा। वहाँ आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया था, यहाँ क्या बनेगा बोलो, मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। ओके, तो एक मिनट में इसको एडिट करूँगा अभी। तो इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखो, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है बेटे, इसमें क्या होता है ना कि जो हाइपोडर्मल सेल, हाइपो मतलब बिलो, हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ न्यूसेलस होता है, अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको। न्यूसेलस होता है, अब देखो हाइपोडर्मल सेल, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ आपको, सो दैट कि आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। ये न्यूसेलस है, और हाइपो मतलब बिलो, यानी न्यूसेलस के स्किन के बिलो जो लेयर है, इस लेयर की बात हो रही है, हाइपोडर्मल सेल्स की बात हो रही है। ये सेल्स है ना, हाइपोडर्मल सेल्स। अब ये क्या करेंगे बेटे, हाइपोडर्मल सेल्स ये बनाएंगे प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। ये क्या बनाएंगे बोलो, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। मान लो ये प्राइमरी आर्की न्यूसेलस हैं, सब अंदर में होता है, ये इरेज नहीं होता वहाँ, बस मैं दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, है ना। तो तब क्या बनाता है, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल क्या बनाता है बोलो, प्राइमरी आर्की मतलब प्रिमिटिव, स्पोरियल यानी वो सेल बन रहा है प्रिमिटिव, पहला स्टेज बन रहा है स्पोर बनने का, है ना, आर्किस्पोरियल सेल। ओके, नाउ अब ये प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल क्या करेगा, डिवीजन करेगा, है ना, अब ये डिवीजन कर लेगा, और डिवीजन करके दो सेल बनाएगा। तो अब मैं वो भी दिखा रहा हूं आपको, अब डिवीजन करेगा और ये दो टाइप के सेल्स बनाएंगे, एक आउटर सेल्स होगा और एक इनर सेल्स होगा। तो आउटर सेल्स को बोलते हैं पेराइटल सेल, और इनर सेल को बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू। तो एक दो सेल बनाएगा, एक आउटर एक इनर। आउटर को क्या बोलेंगे बोलो जल्दी, पेराइटल सेल बोलेंगे। अरे यार, ये आउटर बन रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे बाबू, पेराइटल सेल। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो इनर वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरोजिनस सेल। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल। और यही स्पोरोजिनस सेल क्या बना देगा बोलो, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बना देगा, मेगा स्पोर मदर सेल। मदर सेल है तो डिप्लॉयड होगा ना, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सारे चेंजेस कहाँ होते हैं बोलो, न्यूसेलस में होते हैं, है ना। तो ये सारे चेंजेस कहाँ हुए बोलो, न्यूसेलस में। न्यूक्लियस नहीं कहना है इसको, न्यूक्लियस कहोगे तो हम सर फोड़ देंगे। सो नाउ, अब मान लो बेटे कि यहाँ पे जो इनर सेल था वो क्या बन गया बोलो, क्या बन गया बोलो, मेगा स्पोर मदर सेल, है ना। तो ये क्या बन गया, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रायो सैक कैसे बनेगा, एम्ब्रायो सैक को आप क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे पॉलिनेशन को क्या बोला था आपने, मेल गैमेटोफाइट, तो यहां भी बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो जब इसमें डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर आपको खूब अच्छे से याद कर लेना है, हर चीज़ पे फोकस करना है। और अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि किसी किसी ओव्यूल में जो न्यूसेलस होते हैं वो कम होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, और किसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कम न्यूसेलस हो
अगर न्यूसेलस कम हो यानी लेस हो और प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओव्यूल में न्यूसेलस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जिस ओव्यूल में न्यूसेलस कम हो उसको हम बोलते हैं टेन्विन्यूसिलेट। क्या बोलते हैं? टेन्विन्यूसिलेट ओव्यूल। और जिसमें प्रचुर मात्रा में हो उसको बोलते हैं क्रैसिन्यूसिलेट। ओके, तो ये था आपका क्या एनाट्रोपस ओव्यूल। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, इसको डेवलप करवाएंगे, डिवीजन करवाएंगे और बना लेंगे एम्ब्रायोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी के अंदर हमारा फीमेल गैमेट दिख जाएगा। ओके, थैंक यू।